आपको नमस्कार। किसी ने पूछा है कि चित्र बनाने के लिए क्या करना है, तो चित्र बनाने के लिए सबसे पहली बात तो है कि आप में इच्छा होनी चाहिए। जो हम काम कर रहे हैं उसके प्रति हमारा पूरा मन होना चाहिए, तभी वो काम करना आप स्टार्ट करें। अब बात अपन स्केचिंग की करते हैं। स्केचिंग यानी रेखांकन, रेखाओं से किया गया अंकन। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पेंसिल है या जो भी ब्रश है इसको आपको ऐसे पकड़ना है। आप देखेंगे जैसे ये पेंसिल रखी हुई, मान लीजिए ये पेंसिल है, वो मार्कर है, लेकिन मान लीजिए ये पेंसिल है, तो जैसे रखी हुई है उसको आपको ऐसे ही उठाना है, कुछ भी बदलाव नहीं करना है आपको। और ड्राइंग शीट हो, बोर्ड हो, उस पर आपको ऐसे ही पकड़ते हुए चलाना है। ये तो जो भी आप चला रहे हो, अब क्या हम क्या करते हैं इसमें, इसको तो हटा देते हैं। पॉज करो बेटा, स्टार्ट। तो हम बात कर रहे थे स्केचिंग की। पहला नियम क्या है स्केचिंग का, मन से स्केच कर। दूसरा नियम है पेंसिल को किस तरह से पकड़ना, किस तरह से पकड़ना है, इतनी दूर से पकड़ना है। और जो पहला काम करना है इधर शीट पे, बोर्ड पर या कैनवास पर, हैचिंग नंबर एक। हैचिंग, उसके बाद हम जाएंगे क्रॉस हैचिंग। जिन्हें हैचिंग नहीं पता है वो भी बता देते हैं। हैचिंग क्या है, लाइन है, रेखाएं खींचना। आप लाइनें खींचोगे ऐसे हॉरिजॉन्टल, ऐसे, इनके बीच में गैप बराबर से रखना है आपको, ऐसे। जब ये हो जाए तो वापस आप हाथ में बैलेंस लाने के लिए और अच्छी प्रैक्टिस के लिए ऐसे भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके हाथ में बैलेंस आएगा और आप काम किसी भी तरह से कर सकते हो। आप देखोगे मैंने यहाँ पे जो शुरू में गैप रखा है वो यहाँ तक रखा, फिर मैंने इस तरफ से घुमाना स्टार्ट किया, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइनें होगी। अब इसके बाद क्या करना है आपको, वर्टिकल लाइनें खींचनी, ऐसे, इनके बीच में गैप रखते हुए, बराबर रखते हुए आपको धीरे धीरे खींचनी है, स्पीड से नहीं। जितनी ये लाइनें धीरे खींची जाएगी उतना ही आप अच्छे से सीख पाओगे। सबसे पहले हम हैचिंग को समझ लेते हैं। हैचिंग क्या है, हैचिंग में आपको लाइनें खींचनी है, किस तरह से खींचनी है, हॉरिजॉन्टल, इस तरह से। अगर शुरू में आपका हाथ कंपन कर रहा है यानी धूझ रहा है तो क्या करना है, ये जो फिंगर है इसको शीट पे आप रख सकते हो ताकि हाथ धूझेगा नहीं। इस तरह से आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइनें धीरे धीरे खींचनी है, तेजी से नहीं, स्पीड में नहीं, धीरे धीरे खींचनी। जब ये कुछ लाइनें हो जाए फिर आपको प्रैक्टिस करनी है वर्टिकल लाइनें की, इस तरह से धीरे धीरे, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं, इससे आप सीख नहीं पाओगे, हाथ में बैलेंस नहीं आएगा। तो आपको जो भी लाइनें खींच रहे हो उनको धीरे धीरे खींचना है। फिर आपको इनके बाद लाइंस को तिरछा करना है,
डायगोनल लाइनें खींचनी है आपको ऐसे, इस तरह से। फिर इसके विपरीत, इसके उल्टी साइड में आपको ऐसे, तो एक दो तीन चार, ये चार तरह की हैचिंग होगी। इसमें और भी खूब सारी हो सकती हैं, लेकिन हम शुरू में ये चार समझेंगे। और इसके बाद क्या आएगा, क्रॉस हैचिंग, या मैं लिख देता हूँ, इसको जूम करना बेटा, क्रॉस क्रॉस हैचिंग ये हो चुका। अब क्रॉस हैचिंग में क्या करना है, इनको क्रॉस कराना है। ये लाइनें इस पे ले आओ, या ये लाइनें इस पे ले आओ, या इस पे करो, ऐसे आपको क्रॉस करना है। जैसे इस तरह से, इस तरह से धीरे धीरे इन पे आप, ये तो चलो हो चुकी, इस पे आप तिरछी लाइनें खींच सकते हो ऐसे, ये। फिर इन पे आप खड़ी लाइनें खींच सकते हो ऐसे वर्टिकल, और इन पे हॉरिजॉन्टल। इस तरह से आपको इनको क्रॉस कराना है। जब भी आप स्केचिंग का काम शुरू करो, ये जरूर से करना है पहला काम, हैचिंग, उसके बाद क्रॉस हैचिंग, ये दो काम करना है। इसके बाद क्या काम आएगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।